रोहतास जिले के बड्डी ओपी थाना क्षेत्र के कचनत गांव में पति पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद में नाराज होकर पत्नी ने खुदकुशी कर ली। घटना के बारे में बताया जाता है कि जयप्रकाश पासवान की 22 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी ने अपने कमरे के छत से झूल रहे पंखे से ही फंदा लगाकर फांसी लगा ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि पिछले महीने के 7 मई को ही पिंकी की शादी जयप्रकाश से हुई थी। शादी के बाद से ही छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। उसी विवाद की परिणति हुई कि पिंकी ने बीते रात अपने ही कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाई है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। BNP न्यूज के लिए रोहतास से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। जी क्या घटना घटी है बताइए तो। सर हम लोग को तो 11 बजे मालूम पड़ा कि मैंने ऐसा ऐसा घटना कर दिया। पति पत्नी में पति और पत्नी में झगड़ा सा हुआ, कुछ दहेज का भी मैटर है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, अब हम लोग का सूचना मिला तो हम लोग पोस्टमार्टम यहाँ आया सासाराम। हम लोग हमारा घर पड़ेगा मानी। क्या नाम है आपका? था मैं अमरजीत पासवान। क्या घटना घटी है बताइए तो। पति पत्नी का झगड़ा हुआ है, करीब 11:30 में घटना हो चुकी थी। उसके बाद हम जंग में थाना पर फोन करने सूचना दे देने तुरंत बड़ा। फिर कहाँ हुआ? फिर क्या हुआ? पोस्टमार्टम में। क्या नाम है आपका?